ये देख लो, ये हो चुका है और हालत बहुत खराब है। एक्चुअली थार वाले ग्रुप के साथ बच गई और ये गाड़ी यहीं पे लगी हुई थी, कह रहे हैं रोड के साइड पे। बड़ा नुकसान हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, लड़की बच गई है, पीछे से है ही नहीं कुछ, बचा ही नहीं। ये देखना गाइस, ये देख रहे हो, मतलब पूरी थार ना आगे से टोटल, मतलब ये देखो ये सीन क्या हुआ ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ अब सीन क्या हुआ। पूरी की पूरी वो जाके पीछे बजी है शायद, यार मुझे लगता है। क्या करनी है, रुक चल। अरे भाई क्या जबरदस्त शॉट है यार मेरा। एक्चुअली रात में ना कोई सीट कवर गाइस चोरी कर दिया किसी ने, मैंने बाइक लगाई हुई थी एंड कोई सीट कवर निकाल के ले गया हुआ है। मॉर्निंग गाइस, केम छो गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया ही होगे। यार मैं भी ठीक ही हूँ। तो भाई तुम्हें बता दूँ, संडे आज, हैप्पी हैप्पी संडे, बड़े दिन के बाद आया ये यार। तो अभी का सीन मैं तुम्हें बताता हूँ यार, मैं निकला हूँ राइड पे, अभी तो फिलहाल अकेला हूँ, अभी आई डोंट नो आगे कौन मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज संडे है एंड संडे को तो भाई मतलब तबाही रहती है ना। एक बैड न्यूज़ है तुम्हें बताऊंगा मैं, ये देखो यहाँ पीछे कुछ लगा होता था ना सीट कवर, वो रात को कोई निकाल के ले गया। मैं कह रहा हूँ ना, ये वाला महीना मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस वाले महीने में मेरे साथ इतनी खतरनाक और गंदी चीज़ें हो रही है ना, लिटरली तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है और वो भी इस एक महीने के अंदर अंदर। अभी मेरा रात में कोई सीट कवर चोरी करके चला गया, देख रहे हो, वाह। अभी देखो धूप तुम्हें लग रही होगी बट टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल ही है अभी, क्योंकि सुबह सुबह ही है ना, 10 बज रहे हैं, तो अभी जितना दिन बढ़ेगा तो उतना गर्मी भी बढ़ती रहेगी। फिर देख लो बाइक तुम्हारे पास कोई भी हो ना, स्किल्स मैटर करती है। ये देख लो भाई आगे स्प्लेंडर पे है और भाई क्या चल रहा है, माँ कसम मैं पीछे जो नोटिस कर रहा हूँ सेक्सी चल रहा है भाई। मतलब वही कहते हैं ना यार, बाइक तुम जितना भी बड़ा ले लोगे ना, जब तक तुम्हारे पे स्किल्स नहीं होंगी ना तो क्या फायदा है फिर यार। A few moments later. So guys, ये देख लो कोई रात को ले गया निकाल के, अब क्या कर सकते हैं, चलो। Okay, so guys, ये देख लो, ये रही Z900 फिलहाल तो भाई ये तो क्रश है आज, ये वाली बाइक हमारे साथ एंड ये देखो यहाँ पे TRK लगी हुई है। सो चलो देखते हैं, और ये कुछ बंदे हमारे सारे जमा हो चुके हैं, अभी फिलहाल कुछ बंदों का वेट हो रहा है, देखते हैं कौन कौन आता है एंड देन करेंगे अपनी राइड को स्टार्ट। फिलहाल तो ऐसे रुके हैं और इस ब्यूटी को देख रहे हैं, इस वाली को, ये देख रहे हैं आँखें देखो इसकी तुम, ये देखो। So guys, let's go, निकलते हैं यार यहाँ से अभी। तो यहाँ रही अपनी बाइक्स वगैरह। मेरा एक्चुअली रात में ना कोई सीट कवर गाइस चोरी कर दिया किसी ने, मैंने बाइक लगाई हुई थी एंड कोई सीट कवर निकाल के ले गया हुआ है, देख रहे हो, मतलब क्या बोलूँ यार मैं। ये देखो, चलो भाई, ये देखो Z900। अरे आज का तो सीन ही सोचा हुआ यार कि हाईवे राइड करेंगे, मज़ेदार राइड होगी और आप सबको भी मज़ा ही आएगा आई होप। बाइक से कम्पीट करना बहुत मुश्किल है यार, तुम मतलब जितना भी दम लगाओगे ना तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, मतलब पकड़ने की तो बात छोड़ो, तुम साथ में भी नहीं चल पाओगे, इतना ज़्यादा दिक्कत रहता है यार सुपर बाइक के साथ राइड्स वगैरह करने में। अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि सुपर बाइक से कम्पीट हम राइड में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यार देखो ना कहाँ 900 cc, 500 cc, और हम तो बीच में रह ही नहीं सकते कहीं यार। अपना लाइनअप कुछ ऐसा लगा हुआ है, तो मैं एक एक बाइक से मिलवाता हूँ, पहले बंदों को छोड़ो बाइक से मिलवाता हूँ। ये रही बुलेट, ये रही जिक्सर, ये अपनी धन्नो 200, ये रही बैनली की TRK, देख रहे हो कैसी लग रही है, सेक्सी लगती है ना। ये रही भाई ड्यूक 250, ये वाली तो तुम्हें पता है यार, Z900 और ये 250। चलो गाइस, दो 250 हैं, दो बड़ी बाइक्स हमारे पास बड़ी सेगमेंट की एंड बाकी अपने 200 वगैरह हैं। सो चलो यहाँ पे रुके थे हम, थोड़ा आपको लाइनअप दिखाता था मैंने, तभी इसलिए यहाँ पे रुके थे, तो अभी आपको पता चल गया बाइक्स कौन है। ज़्यादा हमने रश इकट्ठा नहीं किया यार, बिकॉज तुम्हें पता है अननेसेसरी जब बंदे आते हैं ना तो उनको राइड का लाइक पता नहीं रहता कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, तो वो ठुक जाते हैं, समझ रहे हो ना, सबसे बड़ी बात क्या रहती है। आप भी जब राइड करते हो तो अपने जो बंदे हो ना उन्हीं के साथ राइड करो, ऐसे अगर तुम किसी के साथ करोगे ना तो भाई एक्सीडेंट्स के चांसेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलो अभी फिलहाल हम अच्छे से राइड कर रहे थे, वो सब हेलमेट लगा के हैं सारे, हर एक बंदा, इवन कि आधे बंदे ने गियर्स भी लगाए हुए हैं। सो चलो भाई, कोई भी सुपर बाइक निकलती है ना ऑटोमेटिकली स्माइल हो जाता है आपके फेस पे, आ जाती है स्माइल। मैं फुल थ्रॉटल पे हूँ गाइस, फुल थ्रॉटल पे, फिर भी उसको पकड़ दी बारा। अरे भाई क्या जबरदस्त शॉट है यार, मां कसम। यार उस स्पीड पे क्या ही फील होता होगा, तुम सोच लो गाइस इस स्पीड पे क्या फील होता होगा। आगे एक लीन पे तगड़े वाले, बड़ा लीन है ये बहुत ज्यादा, और सबसे गंदा लीन भी यही है, एक्सीडेंट खतरनाक होते हैं यहाँ पे, पता है तुम्हें।
भैया ब्रेक लगा के आना पड़ता है इधर। क्या करनी है? रुक चल। गाइस रेस जीत गया। गाइस जीत गया यार। शेख हार गया यार। तू हार गया यार। छोड़ हार गया तू। 2000 years later. क्या सीन है? ना ना ठीक है। गाड़ी थोड़ी सी उसमें लगी थोड़ी यार। खुल गया सब कुछ। गाड़ी खत्म है यार। अभी भी गाड़ी का क्रैश है और खत्म हो चुकी है गाड़ी एक्चुअली पीछे से। खत्म भाई खत्म। ये देखना पूरी की पूरी वो जाके पीछे बजी है शायद यार मुझे लगता है। चल निकल। कोई चक्कर नहीं है। चक्कर आता क्रास में हम फिर करते हैं। यहाँ से ये ले लो उनके मिले आगे मुझे आते वो कहते वापस आओ वापस आए तो ये नहीं बीच में रुके थे सच में। ये टिट करके लगाई गाड़ी इसने। पागल है ये। बीच में यहाँ मोड़ के वो टेंडर टिट करके लगाई गाड़ी। हाँ फिर तो अच्छी बात। वो बाबा शोएब की गाड़ी अच्छी बड़ी मुश्किल से मतलब दो टायर ऐसे हो रहे हैं गाड़ी के। माँ की मैं जो गया मेरी गाड़ी लास्ट में बची आके ये बजी ये वाली है। वो तो ये फिर बाहर निकल जाती फाड़ के। अभी ये देख लो ये हो चुका है और हालत बहुत ख़राब है। एक्चुअली थार वाले ग्रुप के साथ बच गई और ये गाड़ी यहीं पे लगी हुई थी कह रहे हैं रोड के साइड पे। फक गाइस थार ना टोटल एक्चुअली लॉस हो चुकी है देख रहे हो आगे से। और वो होंडा सिटी लग नहीं रही है वो अजीब ही पता नहीं कौन सी गाड़ी लग रही है। पूरा ख़त्म है गाड़ी पूरी आगे से। एयरबैग्स खुल चुके हैं अंदर से सब कुछ खुल चुका है। ये देखो अंदर से सारे एयरबैग दो के दो एयरबैग खुल चुके हैं। कार ने मारा ट्रक ने मारा कार ने मारा बजने के बाद उन्हें कट मारा पीछे से। हाँ नहीं वो तो मुझे पता है बड़ा नुकसान हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना लड़की बच गई है पीछे से है ही नहीं कुछ बचा ही नहीं है। देखना गाड़ी की पूरी क्रैक है सारी। क्रैक है यार गाड़ी पूरी। शिट यार हालत खराब है। नहीं यार कुछ नहीं है। क्या हो गया बैटरी खत्म? दम है थार में देख लिया मैंने। उसकी गाड़ी की हालत देखिए यार। मैं माथे से मेरे को लगा वो है अपना। बहुत गंदी हालत है उसकी यार। गाइस ये देख रहे हो मतलब पूरी थार ना आगे से टोटल मतलब ये देखो ये सीन क्या हुआ ना मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब सीन क्या हुआ एक्चुअली वो होंडा सिटी दिख रही है वो थी बीच रास्ते में खड़ी इधर ही जहाँ पे ये है मतलब थोड़ा पीछे तो थार सा आ रही थी पीछे से। बट सीन क्या हो गया इधर पे एक्चुअली ये बीच में खड़ी थी ना तो एक थार ने कट मार गया पीछे वाली थार को दिखा नहीं तो वो जाके डायरेक्ट इसमें बच गई।
बाकी ये देख लो एयरबैग सारे पॉप आउट हो चुके हैं एंड भाई होपफुली सारे ठीक हैं। बाकी होंडा सिटी का तो कुछ बचा नहीं है भाई, चेसी क्रैक है उसकी, मतलब पूरी बॉडी अलहदा हो गई है गाड़ी की। भाई गलत हो गया सीन यार, लगी नहीं है किसी को, बस मैं वही बोलता हूँ, किसी को लगी नहीं है तो बहुत सही है यार। मैं सोचा अगर किसी को लग गई होती ना इस एक्सीडेंट में बहुत पंगा हो जाता है यार। चीज़ देखिए थार वाला ग्रुप बहुत ऑर्गेनाइज चलता है यार, तो ये बोल रहे हैं सीन पता है क्या है, मतलब इनके एंड का स्टोरी है कि गाड़ी बीच रास्ते में लगी हुई थी, लाइक साइड पे लगी हुई थी फास्ट लेन में, ये फास्ट लेन होती है, इसमें लगी हुई थी एंड ये थार पीछे से आ रही थी, बिकॉज यहाँ पे अपवर्ड जाते हैं ना ऐसे, फिर अचानक से आपको दिखता है, समझ आ रही है ना, हाईवे इस पर कोई भी तेज चलेगा यार। तो अल्टीमेटली सीन क्या हो गया, वो पीछे से आके एक गाड़ी ने बचा ली अपनी थार, एक थार ने अपने आप को बचा लिया बट दूसरी थार नहीं बचा पाई, बिकॉज वो इंस्टेंट कट था और वो जो कट जब मारा ना तो तब तक कुछ बचा नहीं गाइस।